हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत फन वे में समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली तीन पॉइंट ऐसे शेयर करूंगा जो कि हम जॉम्बीज की लाइफ से सीख सकते हैं टू गेट स्टार्टेड विद कोडिंग। तो क्या है वो तीन पॉइंट्स, जानेंगे इस वीडियो में। पॉइंट नंबर वन, जॉम्बीज आर परसिस्टेंट। लेट मी एक्सप्लेन। अब अगर तुमने कोई जॉम्बीज की मूवी देखी है ना, तो मेरा मानना है कि तुमको पता होगा जॉम्बीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होता है, एक ही गोल होता है, विच इज ह्यूमंस ब्रेन, राइट। अब यहां पर हमें क्या सीखने को मिल सकता है, हमें तो कोडिंग सीखना है, राइट। तो माय डियर, कोडिंग सीखने से पहले तुम्हारा भी एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, राइट। अगर नहीं है कोई उद्देश्य तो सेट करो। सबसे पहला काम यही है कि एक टारगेट डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, ओके। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तुमको वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो माई डियर सबसे पहला एक्शन क्या होगा, सबसे पहले एक रोड मैप देखो कि वेब डेवलपमेंट सीखना कैसे है और क्या क्या सीखना है, करेक्ट। फिर 4 से 6 महीने दो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। यहाँ पर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो 4 से 6 महीने लगेंगे, सीखो। और जब सीख लेते हो या फिर सीख लिया है तो अब इंटरव्यूज वगैरह के लिए तैयारी करो। तो कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि सक्सेस पाने के लिए ना हमेशा लगातार चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, ओके। पॉइंट नंबर टू, जॉम्बीज डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक्स। इन सिंपल वर्ड्स, जॉम्बीज को ना एक दूसरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इवन वो तो खुद को भी शीशे में नहीं देखते कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, कितना कूल लग रहा हूँ, या फिर मेरा बाजू वाला कितना कूल लग रहा है। डोंट केयर, दे डोंट केयर, सिंपल। इवन उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि जो उसके साथ वाला जॉम्बी है वो अपने टारगेट पे किस तरीके से अटैक करता है, मैं भी उसी तरीके से करूंगा। नहीं माय डियर, उसका अपना तरीका है, वो अपने तरीके से ही करेगा, ओके। और इवन उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे जज करने वाला है कि नहीं, कि कल को तुमने इस तरीके से अटैक किया तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस तरीके की भी बात नहीं होती, राइट। तो यही चीज़ हमें एज ए ह्यूमन भी अप्लाई करनी है, एज ए स्टूडेंट भी अप्लाई करनी है हमारी लाइफ में। अब अगर हम कोडिंग सीखने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त पाइथन सीख रहा है, मेरा वो दोस्त जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, ये नोड जेएस सीख रहा है, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा है। वो सब सीख रहे हैं ना, वो उनके टारगेट्स हैं, राइट, उनके गोल हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तुमको तुम्हारा टारगेट डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखनी है, राइट। तो अगर डिसाइड कर लिया तो काम करना स्टार्ट करो, और अगर नहीं किया तो मेरे दोस्त किस चीज़ का वेट कर रहे हो, स्टार्ट, मतलब पहले टारगेट डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में या फिर ज़्यादा लोगों के बारे में तो सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, ओके। बिकॉज कोई भी दोस्त बताएगा नहीं कि मैं क्या सीख रहा हूँ, राइट, और पूछेगा भी नहीं कि तू क्या सीख रहा है, नो। तुम्हें बस तुम्हारे टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है, ओके। पॉइंट नंबर थ्री, जॉम्बीज आर वनरेबल टू डिस्ट्रैक्शन। इन सिंपल वर्ड्स माय डियर, अगर तुम खुद तुम्हारे बारे में नहीं सोचोगे तो तुम अपने विनाश की तरफ जा रहे हो, दैट इज ट्रू। थोड़े से शब्द हार्ड लग सकते हैं बट ये सच्चाई है, राइट। तो माय डियर, इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। कल को एक जॉम्बी तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम क्या उसको इग्नोर करोगे, नहीं कर सकते ना, अपनी जान बचाओगे, सिंपल सी बात, राइट। तो उसी तरीके से अब अगर तुम कोडिंग सीखने वाले हो या फिर सीख रहे हो, राइट, तो कोडिंग के दौरान तुमको सही रिसोर्सेज, सही टूल, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, ये सब भी मिलना जरूरी है। इन मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर कुछ भी एक आगे पीछे हो जाता है या फिर गलत रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हो, गलत टूल्स यूज़ कर लेते हो, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, सारा वक्त बर्बाद हो जाता है जो भी तुमने उसमें इन्वेस्ट किया, राइट। तो कहने का बस मतलब ये कि सही रिसोर्सेज, सही टूल्स, सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस, ये भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है टू गेट स्टार्टेड विद कोडिंग जर्नी। सो आई बिलीव ये जो तीन पॉइंट्स आज हमने जॉम्बीज के बारे में जाने हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल तो जरूर लगे होंगे और इनसे थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिल ही सकता है, एम आई राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए माय डियर, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी बार आए हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी भी सोच रहे हो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आ सकते हो, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और अगर बातचीत करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो DM भी कर दो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।